नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले हनुमना मऊगंज नईगढ़ी जिला पंचायत के चुनाव में नामांकन दाखिल करने वालों का सोमवार को भारी उत्साह दिखा। इस दौरान वार्ड क्रमांक 28 से महिला उम्मीदवार पूजा सिंह ने नामांकन दाखिल किया। अपने बुजुर्गों के साथ पहुंची पूजा सिंह ने कहा कि उनके परिवार के लोग अपने क्षेत्र की सेवा में तत्पर रहे हैं। जो उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सेवा की, उस सेवा को आगे बढ़ाएंगी। अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उन्हें सेवा का अवसर जरूर देगी। आइए सुनाते हैं सोमवार को नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों ने क्या कहा है। मैंने वार्ड 28 के लिए फॉर्म भरा है, आज नामांकन भरा है। और मेरे दादाजी जो हैं पिछले 50 वर्षों से जनपद पंचायत में सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने अपने देवतलाव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। तो मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेकर और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि उन्होंने इतने साल तक वो किया है, तो एक बार जनता चाहती है कि एक बार हम सामने रहें। तो बिल्कुल हम इसी को लक्ष्य को लेकर, और हमारा लक्ष्य जो रहेगा वो सेवा भावना है, जनता की सेवा करना। आपको क्या लगता है कि जनता के मुद्दे पर आप खरा उतरेंगे कि नहीं? जो उनकी समस्याएं, सबसे पहले तो हमारा सुनना उनका हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाएंगे और उनकी जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी विकास का कार्य होगा वो हम भरपूर करेंगे। अभी आपका क्या उद्देश्य है, क्या वहाँ कमी आ रही है जिसके आपको? जो ग्रामीण क्षेत्र है तो बेसिक चीज़ें भी वहाँ नहीं है, जैसे हमारे गाँव तक हम खुद जहाँ के प्रत्याशी हैं वहाँ के हमारा गाँव ग्राम पंचायत चेहरा में नल जल योजना नहीं आ पाई है, नहरें नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, शिक्षा से जुड़ी और स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनमें काम करना है। और मैं बिल्कुल करूँगी इस चीज़ को और मुझे उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी मुझे। अपना लेकर जनता के बीच जाएंगे, किस वार्ड से आपने नामांकन? जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 16 से पर्चा दाखिल हो गया है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक जो है तो देश की सेवा करके आता है और मैं उसी आशा के साथ मैं यहाँ भी समाज सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और जनता जनार्दन के बीच में हम जो है तो दुख सुख में सबके सहभागी रहते हैं। जनता के मुद्दों पे कितना खरा उतर पाएंगे? जनता के मुद्दे बहुत हैं हमारे क्षेत्र में। पानी की समस्या है, नहर अधूरी हो गई है तो उसका नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर भी नहीं है स्वास्थ्य के लिए हैं। तो हम ये मुद्दे सब ले करके और जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जनता के लिए ये होगी कि जनता जो गरीब किसान परेशान रहते हैं पानी के लिए, राशन के लिए और किसी अन्य चीज़ के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जनता में कितना खरा उतर पाएंगे? जनता में हमारी जितनी शक्ति चलेगी उतना हम उनका साथ देंगे, उनके साथ विकास करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में अभी? हमारे क्षेत्र में तो अभी हमारे ग्राम पंचायत पाती में 6 साल से टूटी हुई पुल पड़ी है, कोई विधायक कोई मंत्री नहीं सुना। मेरे ग्राम पंचायत अमीरती में 3000 की बस्ती है, वहाँ हाई स्कूल है पर 12वीं तक स्कूल होनी चाहिए, बच्चे और बच्चियों को दूर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी ये भी शासन से मांग रहेगी और एक हॉस्पिटल के लिए भी। मैं कमला साकेत जिला पंचायत रीवा सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 13 से मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। रायपुर जनपद के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 13 आता है जिसमें 25 पंचायतें हैं। आज भी जितनी भी शासन की योजनाएं हैं वो भी आज तक लोगों को नहीं मिला है। हमने भी क्षेत्र में बहुत भ्रमण किया है तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा असंतोष है। इससे पहले भी जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने उतना पूरा विकास नहीं किया जो कि क्षेत्र का होना चाहिए। और रायपुर में एक शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। वहाँ से 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक लड़कियों को यहाँ रीवा आना पड़ता है। तो इसे हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा।